सबसे ज्यादा YouTube पर जो काम आता है ना वो आपका टैग ही काम आता है। वो इसलिए क्योंकि जो आप टैग लगाते हो वो दूसरे लोग इसको नहीं देख सकते। बड़े बड़े जो क्रिएटर होते हैं दोस्तों वो अपने वीडियो पे जो है वो टैग कैसे लगाते हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप अपने वीडियो पे रैंक टैग लगाएंगे यानी कि जो टैग रैंक कर रहा है अगर आप उस टैग को अपने वीडियो पे लगाते तो क्या होता है कि आपकी वीडियो सर्च लिस्ट पे सबसे ऊपर आ जाता है, ठीक ना। और जब आपका वीडियो सबसे ऊपर आ जाता है तो लोग जब क्लिक करते हैं तो आपके वीडियो पे क्लिक करते हैं तो देखिए बड़े बड़े क्रिएटर यानी कि क्रिएटर सर्च 2.0 प्रवीण भैया, तो आखिर मैंने उससे मिला था, मैं उससे बात भी करता हूँ दोस्तों, उन्होंने मुझे सब कुछ यूट्यूब के बारे में बताया। तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि भाई फाइनली आप ये बता दो कि क्या टैग मैटर करता है अपने वीडियो को रैंक करने के लिए। तो उसने बोला भाई सबसे ज्यादा यूट्यूब पर जो काम आता है ना वो आपका टैग ही काम आता है। वो इसलिए क्योंकि जो आप टैग लगाते हो वो दूसरे लोग इसको नहीं देख सकते, तो सबसे ज्यादा काम आपका टैग ही आता है। बाकी डिस्क्रिप्शन, टाइटल, थंबनेल, वीडियो सब कुछ लोग देख सकते हैं, लेकिन एक टैग ही होता है जिस टैग को दूसरा लोग नहीं देख सकता। तो दोस्तों इस टैग को कैसे लगाया जाता है मैं आप सभी को आज बताने वाला हूँ, बहुत ही रियल जेन्युइन तरीका। और रैंक्ड टैग आप कहां से लगाएंगे सब कुछ मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ। तो उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अपने चैनल के थ्रू मैं आप सभी को हमेशा रियल एंड जेन्युइन चीज बताता रहता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पे आप साइड में देख सकते हैं कि मैंने अपना यूट्यूब जो है वो ओपन कर लिया YT स्टूडियो। सबसे पहले दोस्तों यहां पे आपको कंटेंट पे जाना, ठीक ना। जैसे आप कंटेंट पे जाएंगे तो यहां पर से आपको सारा वीडियो दिख रहा होगा। अभी किसी भी वीडियो के बारे में बात करें सबसे ऊपर वाले पे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले एडिट वीडियो पे जाते हैं, तो एडिट वीडियो पे जाने के बाद दोस्तों यहां पर से आप देख सकते हैं कि टैग का आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा ना, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि टैग का आपको ऑप्शन दिख गया, ठीक है। टैग का ऑप्शन दिख गया, यहां पर से आप मैं क्या करता हूं सबसे पहले यहां पर सारा टैग को कट कर देता हूं, ठीक है। अभी देखिए सबसे पहले मैं आपको सारा टैग कट करके दिखाता हूं, उसके बाद यहां पर मैं आपको काम करके दिखाऊंगा, तब आपको ये प्रूफ होगा, ठीक ना। अभी देखिए सारा टैग मैंने यहां से हटा दिया, चलिए सारा टैग मैंने हटा दिया। अभी यहां पर मैं क्या लिखता हूं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, ठीक है। मैंने लिखा सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, ठीक है। अभी मैं बैक पर क्लिक करता हूं, अभी मैंने इसको सेव कर दिया, यानी कि एक टैग मैंने यहां पे इसमें लिखा, ठीक ना। अभी इस पे जाएंगे दोस्तों, इस पे जाने के बाद फिर से एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाने के बाद फिर से क्या करेंगे, यहां बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूं ना दोस्तों ये आपको बहुत कम देखेंगे। यहां पे एक टैग है ना, यहां पे ऐड टैग पे जाएंगे, ठीक है। अभी यहां पे आपको रैंक्ड टैग कैसे डालना और कहां से डालना है सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पे आपको जो है वो एक वेबसाइट है, जो वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, ये वेबसाइट 100% सही काम करता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं YouTube टैग जनरेटर, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को ढूंढ लेंगे कोई दिक्कत नहीं। यहां पे मैं क्या लिखूंगा, सब्सक्राइबर, ठीक है, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, ठीक है। मैंने लिखा सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, आई एम नॉट रोबोट, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर से आप देख सकते हैं कि जेनरेट टैग का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक ना। अभी आई नो पे क्लिक कर देते हैं, यहां पे देख सकते हैं कि मैंने इस पर क्लिक कर दिया और अभी जेनरेट टैग पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेता है, ये वेरीफाई करता है कि हाँ भाई आप जनरल पर्सन है कि नहीं। नेटवर्क थोड़ा इशू है दोस्तों, यहाँ पे अभी की हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जेनरेट टैग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जेनरेट टैग पे क्लिक किया, उसके बाद अभी हमारा सारा टैग खुल के आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि कहाँ से लगाना है, ठीक है, जो मेन चीज़ है वही आपको देखना है, ध्यान से देखें कहाँ लगा। तो देख सकते हैं कि कितना सारा टैग आ गया, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, 1000 सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, क्लिक टू कॉपी टू क्लिक बोर्ड, ठीक है। मैंने इसको कॉपी कर लिया, तो सारा जो ये है अभी यहाँ पे आ जाएंगे ना YT स्टूडियो पे, इस पे जैसे डालेंगे दोस्तों यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि टैग हमारा नहीं लगा, ये जो टैग है वो एक ही लग गया सारा में, ठीक है, इसमें नहीं लगा, तो ये तरीका सही नहीं है। अभी मैं इस पे क्लिक करके दोस्तों अभी मैं एडिट पे करके बैक कर देता हूँ, ठीक ना। अभी यहाँ पे देख लिया आपने, अभी दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले इस पे जाएंगे और यहाँ पे आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना, ठीक ना। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद दोस्तों अपना यूट्यूब आपको लॉगिन कर लेना, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है इस पे जाएंगे, ठीक है, वीडियो वाला सेक्शन, ठीक है, कंटेंट, इस पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद यहाँ पे आप जैसे इसके टाइटल पे क्लिक करेंगे ना तो वो एडिट वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका टाइटल वाला है, टाइटल पर ऐसे क्लिक करेंगे, टाइटल पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों उसका थंबनेल, उसका जो है वो सब कुछ खुल गया। अभी इसको स्क्रॉल करेंगे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके स्क्रॉल करेंगे, शो मोर पे क्लिक करेंगे, शो मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टैग हमारा हुआ ना। अभी मैं यहां पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, पेस्ट करूंगा। जैसे मैंने पेस्ट किया देख सकते कि सारा टैग हमारा लग गया। अभी एक जो टैग था उसको मैंने कट कर दिया, ठीक है। यहां पे उतना ही टैग देता है जितना टैग आप उसमें लगा सकते हैं। अभी यहां पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। यहां पे उसके बाद मैंने सेव कर दिया, मैंने सेव कर दिया, यहां से हमारा टैग लग गया। तो क्या आपको लगता है कि क्या YT स्टूडियो पे लगा होगा? बिल्कुल लगा होगा दोस्तों। यहां पे देख सकते कि फिर से मैंने YT स्टूडियो खोल लिया और यहां पे खोलने के बाद इसको एक बार ऐसे करके रिफ्रेश कर देते हैं। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, रिफ्रेश करने के बाद यहां पर से फिर से देख सकते कि थ्री डॉट है, थ्री डॉट पे जाएंगे, एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाने के बाद यहां पर से आप देख सकते कि टैग पे जाएंगे। और यहां पे आपने देखा कि मैंने लाइव आपको दिखाया है कि कैसे यहां पे टैग लग गया, ठीक ना।
तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो टैग दिख रहा है आपको सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, ये तो मैंने लिखा था ना, सब्सक्राइबर सब्सक्राइब कैसे बढ़ाएं, यानी कि लोग जब सर्च करते हैं तो सब्सक्राइबर की जगह सब्सक्राइब भी लिख देते हैं। सब्सक्राइब कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, बढ़ाएं का स्पेलिंग गलत है, ठीक है। सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, लोग काफ़ी सर्च भी करते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं 2022 में सर्च होता था, 2023 सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं एप्लीकेशन, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं यूट्यूब, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं यूट्यूब पर, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों इस तरीके का जो टैग होता है ना, तो ये टैग दोस्तों आपको उस वेबसाइट पे मिलेगा, और वो जो वेबसाइट है दोस्तों वो 100% आपको ट्रेंडिंग टैग्स देगा। तो दोस्तों यहाँ पर से मैंने आप सभी को लाइव टैग लगा करके दिखाया ना कि कहाँ से टैग लगाया जाता है और कैसे आप टैग लगा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक उस वेबसाइट को यूज़ नहीं किया होगा तो वीडियो को देखिए, यहाँ पर ट्यून पॉकेट करके आप अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पर सर्च कीजिएगा, वो वेबसाइट खुल के आएगा। आई एम नॉट ह्यूमन पर क्लिक करके दोस्तों आपको अपना टैग वहाँ से लगा देना, ठीक है। जैसे आप टैग लगाएंगे दोस्तों, सर्च करेंगे बहुत सारे ट्रेंडिंग टैग्स आपका आ जाएगा, और उस टैग को उठा करके आपको करने के आपने कॉपी कर लेना है, कॉपी करके टैग पे लगा देना, उसको भी आप डिस्क्रिप्शन पे लगा देते हैं, तो इससे क्या होगा कि बेटर रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जो आज मैंने आप सभी को बताया, जो मैंने आपको समझाया, वो आपको अच्छे समझ में आ गया। अगर वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो कर दीजिए हमेशा की तरह वीडियो को एक लाइक एंड साथ साथ कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपको पता है कि मैं आप सभी के लिए डेली कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेकर के आता रहता हूं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल वीडियो में, तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।